गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सोहिनी लांबा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज, रिंगस। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है भारत की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के अंग, और इनमें भी मुख्य रूप से अपन पढ़ रहे हैं संघ की कार्यपालिका। सरकार के तीन अंग है मुख्य रूप से, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका मुख्य रूप से कानून बनाने का काम करती है, नीति बनाने का काम करती है, कार्यक्रम बनाती है। कार्यपालिका इसके द्वारा बनाई गई जो भी नीतियां हैं, कानून है, कार्यक्रम है, उनको क्रियान्वित करने का काम करती है, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है, और न्यायपालिका इनकी व्याख्या करती है। कार्यपालिका जो पावर है, शक्ति है, वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 ये प्रावधान करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति का जो पद है भारत में, वो ब्रिटेन की भांति वंशानुगत नहीं है, बल्कि निर्वाचित पद है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। राष्ट्रपति के नाम से भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन होता है। भारत का जो प्रथम नागरिक है, वो भी राष्ट्रपति को माना गया है। राष्ट्रपति हमारे देश में एक सम्मानजनक पद है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए आर्टिकल 58 के अंतर्गत निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की वो आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पुद्दुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके निर्वाचित सदस्य भी इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। सामान्य तौर पर यदि अपन देखते हैं तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद 5 साल तक अपना कार्य करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उसे 5 साल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि यदि वो कार्य करने से इनकार कर देता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो आर्टिकल जो 61 है उसके द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाकर समय से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इस महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के जो दोनों सदन हैं, यदि दोनों सदन द्वितीय बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दे दी जाती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, उसको अनेक प्रकार के पावर दिए गए हैं, जिनका प्रयोग वो मंत्री परिषद के सहयोग से करता है, क्योंकि जहां राष्ट्रपति पद आता है, वहां राष्ट्रपति के साथ आर्टिकल 74 के भाग 1 के अंतर्गत मंत्री परिषद शब्द जोड़ा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री को बनाया गया है। हमारे इंडिया में 2 प्रकार की कार्यपालिका अपनाई गई है, एक होती है नामात्र की, दूसरी होती है वास्तविक। नामात्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि कहने में ऐसा कहा गया है कि आर्टिकल जो 53 है उसके अनुसार सारा पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तव में यदि अपन देखते हैं तो इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति ना के बराबर करता है, बल्कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के माध्यम से पूरा होता है। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। एक शक्तियां उसको दी गई हैं सामान्य शक्तियां, दूसरी दी गई हैं उसको आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों के अंतर्गत यदि अपन देखते हैं तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, सैनिक शक्ति है, कूटनीतिज्ञ शक्ति है, और न्यायिक शक्ति है। आपातकालीन शक्तियों में यदि अपन देखते हैं तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि बाहरी आक्रमण होता है
या आंतरिक अशांति फैलने की संभावना होती है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग कर सकता है और देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल जो 356 है उसके अंतर्गत यदि किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है और लिखित में संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रस्ताव भेजता है कि संबंधित राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन आर्टिकल 356 जब लगाया जाता है राज्य में तो ऐसी परिस्थिति में उस राज्य का जो संपूर्ण पावर है, शक्ति है, उसके कार्य हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? केंद्र सरकार के पास, और संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन उस राज्य का केंद्र से होता है। केंद्र ही आदेश देती है, निर्देश देती है और वहां की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। फिर आपातकालीन पावर में यदि अपन देखते हैं कि आर्टिकल जो 360 है, यदि राष्ट्रपति को कोई ऐसी सूचना मिलती है कि हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है या हमारी जो वित्तीय साख है उसको खतरा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। जब आर्टिकल 352, 356, 360 ये तीन ऐसे आर्टिकल हैं कि भारत में आपातकालीन जो परिस्थितियां होती हैं उनकी ये व्याख्या करते हैं, जब ये आर्टिकल भारत में या उनकी शासन व्यवस्था में लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो संपूर्ण पावर होता है, शक्ति होती है, उन सब का जो प्रयोग होता है वो हमारी कार्यपालिका के पास चला जाता है, संघीय कार्यपालिका से, और संपूर्ण जो आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वो वहीं से जारी होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो कार्यपालिका सामान्य शक्तियां हैं उसके अंतर्गत जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनके अंतर्गत राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जब वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तब ये ध्यान रखता है कि संबंधित व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है उस व्यक्ति के पास बहुमत होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बहुमत होता है पार्टी के नेता के पास, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। तो अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद वो प्रधानमंत्री की सलाह से संपूर्ण जो मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें विभागों का बंटवारा करता है। उसके बाद जितने भी अपने महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, जैसे नीति आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर सामान्य शक्तियों में दूसरी उसकी शक्ति आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। फिर राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है और 12 सदस्यों को वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में रखा जाता है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो व्यक्ति की जो सजा है उस सजा को कम कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया गया है और उस आजीवन कारावास को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक सकता है या परिवर्तित कर सकता है। यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसकी सजा को वो कम कर सकता है, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकता है जब संबंधित व्यक्ति को सजा सैनिक न्यायालय के द्वारा दी गई हो। सैनिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। कूटनीति के शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत से बाहर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारत से जो भी राजदूत आते हैं या मेहमान आते हैं उनका स्वागत सत्कार करने का वो कार्य करता है।
इसके अलावा जितने भी संधि होती हैं, समझौते होते हैं, या विदेशों से जो भी जिस भी प्रकार की कूटनीतिज्ञ नीतियां बनाई जाती हैं, उन सब पर राष्ट्रपति का विचार विमर्श होता है प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद उन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो अपन यदि संपूर्ण प्रक्रिया को एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि जो संघ की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से अपन ने रखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्योंकि जहां पर राष्ट्रपति है वहां पर आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के संपूर्ण कार्यों में सहायता और परामर्श करने का कार्य मंत्रिपरिषद करती है, और जहां मंत्रिपरिषद का नाम आता है वहां पर प्रधानमंत्री भी आता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधानमंत्री के नियंत्रण, निर्देशन, उसके मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो अपन सामान्य तौर पर यदि देखते हैं तो संघ की कार्यपालिका में इन तीन अंगों के अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके अलावा एक प्रशासनिक ढांचा काम करता है। वो प्रशासनिक ढांचा स्थायी होता है और संपूर्ण विभागों के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के जितने भी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उन सब में उस प्रशासनिक ढांचे के कार्मिक कार्य करते हैं, जिनमें मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के अलावा सहायक सचिव, अवर सचिव, ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सारे के सारे इनके साथ मिलकर कार्य करते हैं, जो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये जो ढांचा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये अस्थायी कार्यपालिका का पार्ट है। थैंक यू।